बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है कि हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। मेरी वीडियो आपने पूरी देखनी है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो फिर मेरी वीडियो आपने लाइक करनी है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी है। मेरे चैनल पर बहुत अच्छी और मज़े की रेसिपीज़ मौजूद हैं। आप मेरे चैनल का विज़िट करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आज हम बना रहे हैं चटपटे पोटैटो बाइट्स। एक बड़े साइज़ का आलू लेके तो हमने ये साइडों से कट करके देखें, चकोर ऐसे चकोर काट लें। आलूओं को हमने कट कर लिए। अब आलूओं को हमने पानी में बॉईल करना है और इनको आलूओं को हमने हाफ कुक बॉईल कर लेना। देखिए हमारे आलू हाफ कुक हो गए हैं, देखें, और ये टूट भी नहीं रहे। पानी स्ट्रेन करके फिर इनको मसाला लगा लें। आलूओं को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लें। ये गर्म आलू के ऊपर ही हमने ये मसाला लगाना है। ताज़ा लहसुन क्रश किया हुआ ये हाफ टी स्पून, ताज़ा लहसुन आपने इस्तेमाल करना है। ताज़ा लहसुन की खुशबू बहुत प्यारी लगती है। हाफ टी स्पून कुटी मिर्च, चौथाई टी स्पून नमक, ओरिगैनो हाफ टी स्पून, अगर ओरिगैनो है तो बेहतर है, नहीं तो उसके बगैर भी आप बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ टेबल स्पून मैदा शामिल किया और हाफ टेबल स्पून इस पर कॉर्नफ्लोर शामिल किया। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इनको ऐसे मिक्स करें। थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया शामिल करें। सारे आलूओं के ऊपर अच्छी तरह मसाला लग गया। चलिए आइए ना अब फिर डीप फ्राई करते हैं। चूल्हे की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। ये दोनों साइडों से इसको ब्राउन गोल्डन ब्राउन कर लेना है। ये बहुत क्रिस्पी और क्रंची पोटैटो बाइट्स रेडी हो जाएंगी। आप बच्चों को बना के दें, बच्चे बड़े शौक से खाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया। ये हमारे पोटैटो जो बाइट्स हैं वो रेडी हो गई हैं। चले आइए इसको डिश आउट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये बहुत क्रिस्पी और क्रंची बने हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट्स में बताना है। अच्छा जी, अब इजाज़त दें, नए रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह।